हिंद, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक अनदर अपडेट के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका जॉब से रिलेटेड अपडेट है जो कि ये आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ई और जेई में ये आपका लगभग 1000 आपकी पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊर्जा निगम में 1000 जेई और ई की होगी बहाली। ठीक है, तो ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। पहला अगर बात करें कि इससे रिलेटेड कौन कौन सा पोस्ट पे कितने वैकेंसी आएगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, झारखंड बिजली वितरण निगम में आइए आपका कनीय अभियंता जेई और सहायक अभियंता ई में रिक्त पद जल्द से जल्द जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पद में लगभग 60% से अधिक रिक्त है। अभी भी यहाँ पर लगभग 60% जो है वैकेंसी खाली है। जानकारी के अनुसार जेई में लगभग 900 स्वीकृति पद में से लगभग में 650 रिक्त है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि जेई में जो है आपका 900 में से अभी भी 650 पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो ये 650 पोस्ट पे जो है वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो इसी प्रकार से 400 पद में से 350 पद खाली है जो कि ये आपका एई का, यानी कि एई में जो है आपका पोस्ट 400 में से लगभग 350 पोस्ट खाली है। ठीक है, तो उस अनुसार से अगर देखा जाए तो टोटल 1000 पोस्ट पे वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। जेई और एई में करीब 1000 पद जो है आपको आपके बहुत जल्द देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें अगर, तो सूत्रों के अनुसार झारखंड में ऊर्जा विभाग निगम में गुरुवार को यहाँ पर देख सकते हैं हुई निदेश मंडल के बैठक के दौरान रिक्त पद पर जो है आपका वैकेंसी के लिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली की प्रक्रिया में तेज लाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो बहुत जल्द जो है ये आपका वैकेंसी को देखने को मिलने वाली है। यहाँ देख सकते हैं बैठक के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह विकास निगम के CMD जो कि अविनाश कुमार, वित्त सचिव जो कि अजय कुमार, संचालक निगम के MD KK वर्मा सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि सूत्रों के अनुसार ये आपका निर्देश मंडल की बैठक में 6 से ज़्यादा यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें से इसमें भी आपका निर्णय लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि निर्देश मंडल की बैठक में ली गई है फैसला नियुक्ति सरकार की ये आपका नियमावली से होगी। ठीक है, तो बहुत जल्द ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा जेई और एई का, क्योंकि 1000 पोस्ट पर निकल के आएगी। ठीक है, आज के लिए अपडेट इतना ही था। किसी प्रकार की कोई डाउट प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।